असलम अमानस मे आप पर खूब सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी आज जी हम लोग लेक्चर नंबर फोर कर रहे हैं आपके अपडेटेड हैंड आउट यानी आई एस एल टू और टू से ये वीडियो बेसिकली आपकी मिड टर्म रिलेटेड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें हम हर इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी तो चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको इसकी सिंपल इंग्लिश करके बता रही हूँ उर्दू करके बेसिकली बता रही हूँ साथ इंग्लिश भी बता रही हूँ कि आप लिखने में आसानी रहे जो चीज़ समझ नहीं आती कहीं नहीं मुझसे पूछ लीजिएगा अब हम देखते हैं होली कुरान के मौजात के बारे में द होली कुरान इज़ वर्ड ऑफ अल्लाह शुरू में जैसे हमने बात की थी ये यूनिक बुक है जिसमें ह्यूमन बींग के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की गई थी तो ये अब कैम में काफ़ी इम्पोर्टेंट था आ सकता था इसके बाद हम देखते हैं अच्छा जब नजूल कुरान पाक हो रहा था कि वो बहुत मशहूर वाक्य आई होप सो आपको पता होगा सबको याद होगा कि कुफ़ार मक्का ने कहा था कि ये किताब जो है शायराना है तो हम इस जैसी खुद भी आयतें ला सकते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा था कि आप लोग ले आए इसके एक आयत के बराबर भी एक आयत ले आए ना तो वो नहीं कर सके थे तो इस इसी बारे में यहाँ बात की गई थी कि बट हिस्ट्री इज़ विटनेस टू फैक्ट नो वन कुल आंसर दिस चैलेंज ऑफ कुरान Never, never yani, yani मत का दिन तारीख का है कि किसी ने भी इस चैलेंज का आंसर नहीं, नहीं कर सका आंसर नहीं दे सका किसी एक आयत का और ना ही दे सकता है क्यामत तक तो ये एक मुआवजा था ना कुरान पाक का अगर आपके पास आता है तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं अगर हम सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं ना इन होली कुरान तो हम देखते हैं कि साइंटिफिक फैक्ट्स एंड अब जो चीजें अल्लाह तयी थी वो साइंस के थ्रू भी काफी ज्यादा uh, हो गई यू कह लें कि साबित की गई सबसे मशहूर जो थ्योरी थी वो द बिग बैंग थ्योरी थी, थी। यानी कि उस थ्योरी में ना uh, यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में यानी कि उसके फैलने के बारे में बात की गई थी और साबित भी किया गया था ये सारी बातें अल्लाह ताला ने होली कुरान के अंदर मेंशन कर दी थी अल-अनाबिया के अंदर द यूनिवर्स द ऑर्डर ऑफ अल्लाह मेंशन इन द होली कुरान जो बाद में साइंटिफिक तौर पे साबित की गई अब साइंस में कहा गया था कि जमीन जो है वो सूरज और चांद के मदार यानी जमीन सूरज और चांद एक मैदार में घूम रहे हैं या ये सारी बातें जो थी ये अल्लाह साबित की थी कुरान पाक में उनकी रिसर्च से पहले अब वो क्या कहा गया था एंड क्रिएटेड द नाइट एंड डे एंड सन एंड मून heavenly बॉडीज आर continually फ्लोटिंग फास्ट इन their respective orders. इसके बाद जी फ्यूचर इवेंट्स के बारे में प्रिडिक्शन की गई थी गजबे बदर के बारे में बात की गई थी अल्लाह ताला ने बताया था कि मुसलमानों को विक्ट्री मिलेगी और इसके बाद जी कैसर कसरा के बारे में बात की गई थी अच्छा यहाँ पे थोड़ी आ, मैं आगे चली गई हूँ वो रोम और पर्श के, के बारे में आ गई थी ये दो पहले हम रोम और पर्श को देख लेते हैं ये दो आ, बहुत बड़ी पावर्स थी जी अपने वक्त की जो पीपल्स थे ना पर्शिया के वो फायर वर्शिप पर थे और वो रोम्स दूसरे थे उनसे बार बार हार रहे थे अब रोम्स कौन थे वो क्रिश्चियन थे यानी द पीपल ऑफ बुक जो मुस्लिम्स थे ना उनकी सिंपथी जो थी ना आ, आ, या यूँ कह लें कि थोड़ा सा ठीक कर लें तो रोम और पर्शिया दो मेजर पावर्स थी फायर वर्शिपर जो थे वो बार बार रोम को हरा रहे थे रोम कौन थे अहल किताब थे मुस्लिम जो थे वो रोम के साथ थे एट द सेम टाइम द पीपल ऑफ़ पर्शिया कॉन्कर रोम ये वो वक्त था जब पीपल ऑफ़ पर्शिया ने रोम को कॉन्कर कर लिया था तो अल्लाह ने एक वही के थ्रू बताया था कि एक वक्त आएगा कि कुछ अर्से बाद ना रोम जो होगा वो पर्शिया को डिफ़ीट कर देगा और ऐसा ही हुआ इस बार फिर के बारे में बात की गई थी दरिया नील के बारे में बताया गया था यानी ये सारा वाक्य वाकन पाक में पहले बता दिया गया था यहाँ पे जी सुलह देबिया के बारे में बात की जा रही है यानी ट्रीटी ऑफ हदीबिया, हदीबियाबिया तो ये वो ट्रीटी थी जिसने मुसलमानों को मुसलमानों की जीत थी बट एट द मोमेंट जब यह हदेबिया की टी साइन की जा रही थी तो इसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मुसलमानों की इसमें नाकामियां लेकिन पुराने पाक में आ चुका था ना वही आ चुकी थी कि मुसलमानों को फतह मिलेगी और बाद में ये साबित भी हुआ मुसलमानों को फतह हुई और मुसलमानों ने मक्का को भी फतह कर लिया अब ये हम तफसी की बात करते हैं थोड़ी सी लिटरल मीनिंग देख लेते हैं तफसीर का तफसीह का मतलब होता है टू तो ओपन समथिंग यानी कि किसी चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन कर देना वजाहत दे देना टेक्निकल मीनिंग अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी साइंस है जो कि डील करती है मीनिंग विजडम रूलिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ द कुरान अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं दो टाइप्स होती हैं जी तफसीर बिन माहर और तफसीर बिन राय दो तफसीर हैं जी हमारे पास पहली तफसीर में हर वर्सेस की एक्सप्लेनेशन हुई है इन द लाइट ऑफ नरेशन ट्रांसमिटेड फ्राम द होली प्रॉफिट द कंपेनियन एंड द सक्सेसर यानी ताबीन इलामा फॉर एग्जाम्पल जो तफसीर है जी इलामा मोहम्मद बिन तफसीर ताबरी बाय जाबरी अब ये वो वक्त है जब ये वो तफसीर है जो कि उन आयतों की के तर्जमे के रिलेटेड है ये वो आयतें हैं जो कि नबी पा ने बताई उनके तर्जमे या उनके अहबाब कराम ने बताए थे या उनके ताबीन ने बताई थी और ये एक से दूसरी की तरफ एज इट इज़ मूव कर रही थी यानी ट्रांसफ़र हो रही थी इसे तफसीर बिन मातर कहा जाता है इसके बाद जी तफसीर बिन राय इसमें जी ये तफसर जो है ये ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है और ज़्यादा क्वालिफाइड परसन्स ने इसे बनाया था इसमें क्या है इसमें उन्होंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दर्स ऑफ द कुरान हदीसिंग ऑफ दिन तफसर फॉर एक्ज़ाम्पल तफसर अलकाशिफ बामा जख्मशरी में अल्लास विद हिम यानी कि यहाँ पे कहा गया कि जी ज्यादा काबिल लोगों ने बनाया उनके ज्यादा प्रूफ के साथ ये तस्वीर हमारे सामने आई हर आयत का तर्जमा तर्जमावि प्रूफ और बताया गया भी ये आयत हमने इस इंसान से माखूज किए या क्यूँ कह लें सुनी है और आगे बढ़ाई अब बेसिक सोर्सिस ऑफ देख लेते हैं जी एक्सजी यानी तफसि के तो फाइव मेन सोर्सेस हैं जी। है जी फर्स्ट वन है दुरान इ दूसरी है अदीस अदीस तीसरी है जी सेंग ऑफ कम्पेनियन एंड दर फॉलर्स अब मुख्तु मतलब वो आती है ना हमारे वो फिक्स आ नहीं रहा जैसे कि हम लोग आयते पढ़ते हैं इतने मार्जस से अखज़ क्या फॉर एग्ज़म्पल है ये, ये मतलब इतना ख़ास नहीं है मुझे वो याद नहीं आ रहा है वो जो अखज किया गया है ना ये वो होता है जी कंपेनियन दर फॉलिंग के अंदर अरबिक लैंगवेज रूल एंड प्रिस्पल ऑफ शरिया इसके बाद जी हम तफस के थोड़े से और डिटेल देख लेते हैं जब कुरान रिवील हो रहा था ना जो पर्सन थे ना वो प्रॉफिट थे और उनके साथ उनके सहाब थे तो हम जब देखते हैं बहुत सारी ऐसी आ, जब कुरान कुर हो रहा था तो बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन हो जाती थी ना आते आती थी तो वो लोग जो साथ साथ लिख रहे थे हिफज कर रहे थे वो नबी वसल्लम के सामने आते हैं उनके पेश होते और उनसे आ, उनसे वो डिस्कस करते तो वो जब नबी पासी को अपना मसला बताते तो वो उनसे क्लियर कर देते यूं वो मतमइन होकर वहाँ से जाया करते थे और आगे उस आयत को फैला दिया करते थे अब जो वो उनके साथ ही थे ना वो ये इसलिए क्या करते थे कि वो कुरन को समझ सकें और नॉलेज को भी कि अल्लाह क्या चाहता है अल्लाह का क्या हुक्म है अब देखते हैं जी हज़रत मोहम्मद के जो कस मोहम्मद सल वसम के जो कसम थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अली जो थे ये वो आ, लोग थे जो आया करते थे और हर कन्फ्यूजन को दूर किया करते थे अब कुछ और भी असाब हैं जी हमारे पास हजरत तबाया बिन काब हज़रत बिन तब आर पार्टिकुलर जा नोटेबल आफ्टर आफ्टर डिमाइस एंड दैफ इस्लाम टू फार्ग एरियाज मैनी कम्पेन माइग्रे माइ्रेट टू कोफ़ा बस्रा अदर एरियाज एंड टूकल्ला अब विसाल जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो इस्लाम काफ़ी दूर तक फैल चुका था ये वो वक्त था और बहुत सारे नबी पाक के सहाब जो थे साथी थे वो मुख्त एरियाज की तरफ माइग्रेट कर गए कुछ कोफा की तरफ़ चले गए कुछ बसरा की तरफ चले गए और वहाँ जा कर उन्होंने अल्लाह की किताब लोगों के अंदर फैलाना शुरू किया उन्हें पढ़ाना शुरू किया इस तरह हाँ आगे बढ़ता गया सफ़र यूं कह लें कि पहला स्टेप उन्होंने उठाया दस बंदों को बैठाया दस ने बीस को यूं हजारों के हिसाब से लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया शुरुआत में जो थे ना कंपेनियंस वो सुना करते थे एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान फ्रॉम द होली प्रॉफ्ट जब वो शुरू में वो सुना करते थे एक्सप्लेशन कुरान पाक की और उसे मेमराइज किया करते थे और लोगों को सप्रैड कर दिया करते थे अब ये वो वक्त है जब हमायद का इरा चल रहा था फिर उसके बाद जी बुक लिखना शुरू हो गया हमने देखा किसने कहा था और वो सारा प्रोसेस अच्छा आगे बढ़ने से पहले काहिनी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक मत जरूर कीजिएगा आगे है जी तो फर्स्ट रेगुलर एक्सरसाइज देख लेते हैं तफसीर है जो वो कुरान की वो अब जाफ मुहमद बिन जाफ अलतबारी निकीत थी और उसका नाम रखा था बयान और तफसील तबारी भी कहा जाता है तो ये था लेक्चर लेक्चर नंबर आपको फोर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आगे होगी तब तक के लिए अल्लाह अल्लाफिज